साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच डिस्कस करेंगे न्यूरोकाइन गोल्ड। साथियों न्यूरोकाइन गोल्ड जो है साथियों मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल है। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल का ये प्रोडक्ट है, बहुत ही फेमस ब्रांड है। साथियों इसमें 10 कैप्सूल की एक जो है बॉक्स है, इसके अंदर ये स्ट्रिप होती है, इसमें 10 कैप्सूल आते हैं। साथियों जो इसकी MRP है साथियों ये 97 रुपीज़ 90 पैसा पर 10 कैप्सूल है। साथियों इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल है क्या। साथ ही साथ इसके की इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे, कहने का मतलब है कंपोजिशन, और इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात करेंगे, साइड इफेक्ट बात करेंगे, कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे, इंट्रक्शन की बात करेंगे एंड डोजेस की बात करेंगे। तो साथियों न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल जो है क्या है, ये मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स है, जिसमें A, B and C क्या कहते हैं एंड डी कॉम्प्लेक्स जो है, और मिनरल्स इसमें ट्रेस एलिमेंट हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीस है, आयोडीन है, कॉपर है, सेलेनियम डाइऑक्साइड है, क्रोमियम है, जिंक है, और साथियों साथ ही साथ इसमें जो है बहुत से फ्रूट का एक्सट्रैक्ट भी है। साथियों ये एक तरह से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है दैट रीस्टोर द अमाउंट ऑफ विटामिन मिनरल्स इन योर बॉडी एंड हेल्प टू इम्प्रूव योर हेल्थ ओवरऑल। कहने का मतलब है कि मतलब जो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में पर्याप्त भोजन जो है मनुष्य पर्सन जो है ना कर पाने की वजह से जो मल्टी विटामिन और मिनरल्स की कमी है, उसकी भरपाई के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। साथियों ये क्या होता है, ओवरऑल हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है, और बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक एक तरह से है, हेल्थ कैप्सूल है। साथियों ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है। साथियों ये फूड सप्लीमेंट में इसको जो है क्या कहते हैं कि अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तब भी मिलेगा, इनकेस आप नहीं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर आप केमिस्ट से कहेंगे तो ये इजली से आसानी से आपको मिल जाएगा। साथियों इसकी कंपोजिशन की जो बात करेंगे तो इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सभी तरह के, जैसे थायामीन है, रिबोफ्लेविन है, विटामिन B3 है जिसको हम नायासिन कहते हैं, पाइंटोथेनिक एसिड है, पायरिडॉक्सिन इसके अंदर मिला है, विटामिन 7 है, बायोटीन जिसको कहते हैं, एंड विटामिन 9 जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं, साथ ही साथ विटामिन B12 है जिसको हम साइनाकोबलामाइन कहते हैं। साथियों विटामिन सी एंड विटामिन D3 भी इसमें है साथियों, विटामिन ई भी है साथियों, साथ ही साथ इसमें मिनरल्स हैं जैसे कि जिंक है और मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयोडीन है, कॉपर है, सेलेनियम डाइऑक्साइड है, क्रोमियम है, और फ्रूट एक्सट्रैक्ट है साथियों। साथियों इसमें जो है ये कॉम्बिनेशन है साथियों, जब भी आप परचेज करेंगे इसमें सभी तरह के कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं साथियों। साथियों इसके यूजेस की हम बात करेंगे तो साथियों ये मल्टी मिनरल्स विटामिन कैप्सूल है जो कि बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, साथ ही साथ ये क्या होता है कि मिनरल्स और विटामिन की कमी को जो है पूरा करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इट हेल्प्स दी रेड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो कि सर बहुत अच्छा कैप्सूल है, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जो ब्लड के अंदर RBC सेल्स हैं उनको फॉर्मेशन करता है, और ये जो है आयरन का भी फॉर्मेशन करता है। साथियों ये भूख बढ़ाने में बहुत मददगार है, इम्प्रूव एपिटाइट, हेल्प्स इंश्योर क्विक रिकवरी फ्रॉम इलनेस, और किसी तरह का शरीर में कोई रोग है और उसमें कोई दवा चलती है उसकी जो है रिकवरी करने में बहुत ही मददगार है। और साथियों ये दबाव, तनाव, थकान, किसी तरह के जो है उसको थकान होती है उसको कम करता है, और ये क्या होता है यूजफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उसमें भी दिया जाता है साथियों, और ये क्या होता है आफ्टर सर्जरी इसको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ताकि वीकनेस जो बॉडी में आ जाती है उसको जो है पूरा करने के लिए। साथियों इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम्स एंड सेल्स इन द बॉडी, साथियों बॉडी के अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करती है, और जो सेल्स हैं उनको भी जो है इम्प्रूव करता है, एंड जनरल हेल्थ टॉनिक है, और ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथियों ये हेयर लॉस प्रिवेंशन है, हेयर आपके जो है चमकदार बनाएगा, हेयर गिरेंगे नहीं, इतना अच्छा है। साथ ही साथ क्या करेगा, ये जो है जो नेल्स हैं उन वीक नेल्स होते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए लोग खाते हैं, साथ ही साथ आई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी क्योंकि रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है इसके अंदर। तो साथियों इस तरह से बहुत से इसके यूजेज हैं साथियों, बताना मुश्किल है। साथ ही साथ
जो है इसके हम साइड इफेक्ट की बात करेंगे, वैसे तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको खाने से क्या होता है कि क्षणिक जो है साइड इफेक्ट है, जैसे कि नोजिया और वोमिटिंग कभी कभी कोई कोई मरीज महसूस करते हैं, और इसको जो है रेगुलर खाने से स्टमक अपसेट होने के चांस होते हैं, कभी कभी स्किन रैशेज एलर्जिक रिएक्शन होने के चांस होते हैं, और सर में जो है हेडेक होने के चांस होते हैं। तो साथियों ये इसके साइड इफेक्ट हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे साथियों, जब भी इसका सेवन करें इसके साथ जो है अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। अगर लीवर इम्पायर्ड फंक्शन है, कहने का मतलब लीवर की अगर प्रॉब्लम है, तो इस कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह से ही लें। साथ ही साथ क्या है कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है या आँख में मतलब अल्सर है, तब इस दवाई को ना लें, और साथ ही साथ कोलाइटिस है वो रोगी इसको ना लें। तो साथियों कहने का मतलब है, जब भी आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट या मतलब फिजिशियन को दिखाने जाते हैं, तो अगर कोई पहले से दवा चल रही है या कोई बीमारी है तो वो तुरंत बता दें, ताकि डॉक्टर अपने हिसाब से मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर सके। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे, अगर मरीज एंटा एसिड का इस्तेमाल करता है, दैट टाइम मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर एंटीबायोटिक लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन खा रहे हैं तो ऐसे केस में इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों एडल्ट डोज जो है होता है वन से डे है, अगर हेल्दी पर्सन है और जैसे आफ्टर सर्जरी है या फिर जो है प्रेगनेंसी है, दैट टाइम जो है एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम। कहने का मतलब है कि डिजीज पे निर्भर करता है, अदरवाइज वन से डे कैप्सूल है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जैसे आफ्टर सर्जरी या फिर जो है क्या कहते हैं जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं और उनको ढाई तीन महीने हो जाता है, ऐसे केस में जो है कैप्सूल सुबह और शाम चलता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।